हो सकता है दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स के मन में केवाईसी को लेकर कन्फ्यूजन हो, तो दोस्तों चलिए जानते हैं केवाईसी क्या होता है और सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं केवाईसी रिलेटेड एक ही वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी सीखने को मिल जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। अगर आप बीइंग इंडिविजुअल चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में देखे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर आने वाले वीडियो का। तो देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनु है, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी। तो दोस्तों केवाईसी जो है वो बैंकिंग और फिनेंशियल में यूज़ होने वाला बहुत ही परिचित नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं केवाईसी का मतलब। तो दोस्तों केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस है दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने निकाला है और ये लागू किया गया है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन होता है। दोस्तों अगर आप एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ताकि बैंक वैलिडेट करवा पाए कि अकाउंट जो खुलवा रहा है वो कौन खुलवा रहा है। ये चीज़ दोस्तों पेटीएम, फोनपे इस तरह से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केवाईसी डॉक्यूमेंट लागू किया जाएगा जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होता है। दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट में दो चीज़ प्रूफ होनी चाहिए। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ एड्रेस, दूसरा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ एड्रेस का मतलब होता है आपकी एड्रेस उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी फोटो उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं केवाईसी के अंदर आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहले जो था दोस्तों आधार कार्ड सारे ऑर्गेनाइजेशन मांगते थे, लेकिन फिलहाल आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आधार कार्ड कोई नहीं रख सकता, इसीलिए आधार कार्ड को केवाईसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है। अभी दोस्तों इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स पर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि एड्रेस एंड फोटो मिल जाता है, इसलिए ये यूज़ करके आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बैंक के लिए केवाईसी होना क्यों जरूरी है। जो भी बैंक इंडिया में है वो सारे बैंक को केवाईसी मैंडेटरी कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से कि आप वो सारे कस्टमर को जानिए एंड सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे से चेक कीजिए और वो सारे बैंक को पता करना है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई है एंड कैसे हुई है। अगर उनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट हो तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली केवाईसी एक ऐसी प्रोसेस है आरबीआई की तरफ से ताकि बहुत सारा फेक घोटाला को बंद किया जा सके। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया है केवाईसी क्या है, केवाईसी रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग से क्लियर हो चुका है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए केवाईसी के बारे में। मैं उन्हें रहता हूँ, फिर मिलूंगा बहुत जल्द और एक अच्छा वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए बीइंग यूनिक टीवी यूट्यूब चैनल।